और अब एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। मेरा अनुरोध क्षेत्रीय विधायक श्री जरनैल सिंह जी से, श्री जरनैल सिंह सर अब हम सबको संबोधित करें अपने वेलकम एड्रेस से। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। शहीद आजम भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर, उनके सपनों को सच करने के लिए हर दिन समर्पित दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय हम सबके प्यारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का सबसे पहले मैं तिलक नगर वालों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताड़ियों से सर का स्वागत किया जाए। आज इस पांच मोहल्ला क्लिनिक के संयुक्त लोकार्पण के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद बाबरपुर विधानसभा से विधायक हमारे दिल्ली के पर्यावरण व विकास मंत्री माननीय गोपाल राय जी, जी के विधानसभा से विधायक भाई सौरभ भारद्वाज जी जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके साथ साथ डैम से आदिल अहमद खान जी, मंडी के चेयरमैन हर्ष जुल्का जी, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ साहब, डीएम मैडम और मंच पर मौजूद, मंच के सामने मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम करता हूँ। सर, इस मोहल्ला क्लिनिक जिसका आपने आज उद्घाटन किया है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस मंडी के अंदर हर दिन हजारों लोग आते हैं और मंडी के अंदर व्यापारी और लेबर के लोग मिलाकर भी हजारों लोग बनते हैं। तो मैं आपके आने से पहले यही चर्चा कर रहा था कि इन सबको आपने आज एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि छोटी सी चोट भी लग जाए तो आसपास की कॉलोनियों में लेके पेशेंट को जाना पड़ता था। तो इस तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जो सहयोग हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से, विकास मंत्रालय से, तमाम अधिकारियों से, और सर के बार बार छोटी छोटी कोई तकलीफ होती थी तो हम सर को बताते थे, सर के लगातार इंटरवेंशन से तमाम चुनौतियों के बाद भी दिल्ली में ये जो काम हो रहे हैं, मैंने उसके बारे में बोला कि दुश्मनों को यही खल रहा है कि इतने तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। ये सर की हिम्मत है कि ये सारे काम आज भी डिलीवर हो पा रहे हैं इतनी ज्यादा चुनौतियों के बाद भी। तो बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के पर्यावरण व विकास मंत्री श्री गोपाल राय जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। केशवपुर मंडी में मोहल्ला क्लिनिक उद्घाटन के अवसर पर यहां उपस्थित मंडी के सभी व्यापारीगण, हमारे मजदूर भाई बहनों, सभी अधिकारीगण हमारे बीच में, मंडी में आए हुए हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सौरभ भारद्वाज जी, और जिनके आप इतने लंबे समय से इस तपिस में, इस उमस में आप इंतजार कर रहे थे, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के चहेते बेटे, और जिनका एक ही नारा है, परिस्थितियां जैसी भी हों न रुकेंगे और न झुकेंगे, जनता के लिए काम करते रहेंगे। आपने टेलीविजन चैनल के माध्यम से देखा होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यों के जजों ने इस बात का फैसला किया कि जिस तरह से देश के अंदर चाहे कोई मणिपुर में भारतीय रहता हो, चाहे केरल में रहता हो, चाहे कश्मीर में रहता हो, चाहे गुजरात में रहता हो, चाहे नागालैंड में रहता हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिक को संविधान के तहत वोट देने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, और उस सरकार को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का अधिकार है। दिल्ली वालों ने यह फैसला किया, बार बार यह फैसला किया, तीन तीन बार
सीना चीर करके दिखाया हनुमान जी की तरह से कि हमारे दिलों में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को यह मंजूर नहीं है। उनको लगता है कि अगर केजरीवाल को ताकत मिलती रही जनता की तो काम होते रहेंगे, और काम होंगे तो जिस तरह से दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गोवा, गोवा से गुजरात होते हुए ये आम आदमी पार्टी की एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है, उनको लगता है कहीं सुपर फास्ट न बन जाए और पूरे देश के अंदर एक काम की एक नई राजनीति न शुरू हो जाए। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, सभी लोगों के मन में यह सवाल था कि लोकसभा के अंदर बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद दिल्ली के अंदर काम होंगे या रुक जाएंगे, परेशानियां होंगी लेकिन काम नहीं होगा। जिस दिन से बिल आया है, आज ये मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन इस बात का सबूत है कि अरविंद केजरीवाल जब तक हैं काम दिल्ली के अंदर होता रहेगा। परेशानियों को हम बर्दाश्त करेंगे लेकिन काम को रुकने नहीं देंगे। साथियों, मोहल्ला क्लिनिक की दिल्ली के अंदर जब शुरुआत हुई तो ये परिकल्पना थी कि दिल्ली के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं, उनको उनके मोहल्ले में जरूरी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनकी गारंटी की जाए। मोहल्ला क्लिनिक ने पूरे दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा प्रस्तुत किया। पूरे दुनिया के लोग स्वास्थ्य सिस्टम को देखने के लिए भारत आए, लेकिन हमने देखा कि मंडियों के अंदर बड़े पैमाने पर व्यापारी, बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर भाई बहन रहते हैं, जिनको अगर दिक्कत होती है तो उनको कहीं मोहल्ले में जाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले आजादपुर मंडी में हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि मोहल्ला क्लिनिक को हम मंडियों के अंदर भी बनाना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आजादपुर मंडी में सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक बनाने की अनुमति दी। आज आजादपुर मंडी में दो मोहल्ला क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, और आज केशवपुर मंडी में आज जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इस मोहल्ला क्लिनिक बनने से हमें गाजीपुर सब्जी मंडी, मुर्गा मंडी, ओखला मंडी में भी मोहल्ला क्लिनिक खोलने का रास्ता खुला है। हमें इस बात का भरोसा है कि जल्द ही वहां पर भी इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, और हमारे जो मंडी के व्यापारी मजदूर भाई बहन है उनके स्वास्थ्य के लिए भी इस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से सेवाएं सरकार प्रदान करेगी। आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहां इकट्ठा हुए, आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें आदरणीय विकास मंत्री श्री गोपाल राय जी का। और अब इसी क्रम में मेरा अनुरोध दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री सौरभ भारद्वाज जी से, श्री सौरभ भारद्वाज जी आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए, कर्म की प्रखरता के विश्वास के प्रतीक श्री सौरभ जी का हम स्वागत करें। हेलो, मंच पे आसीन दिल्ली के हर दिल अजीज और लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी, तिलक नगर विधानसभा के जुझारू विधायक और हमारे पंजाब के प्रभारी भाई जर्नैल सिंह, मंच पे मंडी के कमेटी के सदस्य आदिल जी, स्वास्थ्य सचिव एसबी डॉक्टर दीपक कुमार जी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ दानिश जी, क्षेत्र की डीएम अंकिता आनंद जी, तमाम स्वास्थ्य विभाग के और अधिकारी, मोहल्ला क्लिनिक्स प्रोजेक्ट की नोडल ऑफिसर डॉक्टर शैली कामरा, सामने बैठे तिलक नगर के हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, पत्रकार बंधु भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं हैरान हूं आपकी मोहब्बत देख के कि आप अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को इस उमस में, इस धूप में, इस गर्मी में
आशीर्वाद देने के लिए पिछले एक घंटे से बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां तिलक नगर की इस जनता के लिए, ऐसी मोहब्बत कम देखने को मिलती है। तमाम हमारी बहनें माताएं यहां पे इस उत्सव में शरीक होने आई हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मोहल्ला क्लिनिक की कल्पना हुई साथियों, तो सोचा गया मोहल्ला क्लिनिक गरीब लोगों के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, हर मोहल्ले में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त टेस्ट होंगे। और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कुछ पॉश इलाकों में भी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। मैंने अरविंद जी से इजाजत ली, मैंने कहा सर कुछ अमीर इलाकों में भी खुलवा लें। सर ने कहा हाँ खुलवाओ, खुलवाने में कोई हर्ज नहीं, मैं आऊंगा देखने। मैंने ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के बी ब्लॉक में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, पंपोश एंक्लेव में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, चितरंजन पार्क ए ब्लॉक, चितरंजन पार्क डी ब्लॉक में हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, GK2 एम ब्लॉक मार्केट के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलाया। और सीएम साहब जब देखने आए तो सीएम साहब ने डॉक्टर साहब से बात की कि भाई गरीब इलाकों में तो हमने सुना था कि मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियों के इलाकों में भी क्या मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं? तो डॉक्टर ने बताया कि जी हमारे यहां तो 100-125 लोग रोज आते हैं। दूसरा सवाल था किसी पत्रकार का, जी अमीर लोग भी आते हैं या सिर्फ गरीबी लोग आते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि सर जो पर्चा लेके आते हैं, कोई बीमार आदमी अगर आता है तो अक्सर अपने पुराने डॉक्टर का पर्चा लेके आता है, और उस पर्चे से मुझे अंदाजा होता है कि पर्चा या तो फोर्टिस का होता है या मैक्स का होता है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर इलाज कराने वाले अमीर लोग मोहल्ला क्लिनिक में आने लगे, तो उससे डॉक्टर को अंदाजा है कि जो आदमी पहले मैक्स हॉस्पिटल में 1200 रुपए देके कंसल्टेंसी देता था, वो आज मोहल्ला क्लिनिक में आ रहा है। अब सवाल यह आया कि क्यों आ रहा है? उसका जवाब यह नहीं है कि उसको 1200 रुपए बचाने हैं, उसको सरकारी डॉक्टर के ऊपर भरोसा है कि ये जो मेरा इलाज करेगा ये उतना ही इलाज करेगा जितनी मेरे को जरूरत है। कई बार ऐसा देखा गया, कई जगह इस तरीके का पाया गया कि जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इलाज भी डॉक्टर्स कई बार कर देते हैं। कुछ जगह ऐसा देखा गया कि कई बार जितने टेस्ट की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा टेस्ट प्राइवेट के अंदर करा दिए जाते हैं। मगर जब आदमी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आता है तो उसको मालूम है कि मेरे को ज्यादा दवाई देने से इस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं, मेरे ज्यादा टेस्ट कराने से इस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं। तो जो दवाई मुझे दी जाएगी, जितना इलाज मेरा किया जाएगा, जितने टेस्ट मुझसे कराए जाएंगे, वो उतने ही टेस्ट हैं जितने मेरे को जरूरत है। इसलिए अमीर आदमी भी आज मोहल्ला क्लिनिक में आता है, क्योंकि उसको भरोसा है। दूसरा, जैसा गोपाल जी ने बताया, आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते 5 मोहल्ला क्लिनिक को इनॉग्रेट करके दिल्ली वालों को देंगे, हर हफ्ते। अब इस तरीके से हम श्रृंखला आगे चलाएंगे। स्वास्थ्य विभाग पे मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश भी दिए हैं, हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स हैं, JR हैं, SR हैं, स्पेशलिस्ट हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक महीने पहले हमें बुलाया और उन्होंने आदेश दिए कि यह कैसे नापा जाए कि कौन सा अस्पताल अच्छा चल रहा है, कौन सा अस्पताल अच्छा नहीं चल रहा, किस अस्पताल को बेहतर करने की जरूरत है, किस अस्पताल में क्या चीज बेहतर करनी है, इसका कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए, कोई आंकड़ा तो होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी के आदेश पे एक रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं हम सभी सरकारी अस्पतालों में कि अगर एक अस्पताल के अंदर मान लीजिए 5 स्पेशलिस्ट हैं और उसके अंदर 50 सर्जरी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस अस्पताल में महीने में एक स्पेशलिस्ट 5 सर्जरी करता है। और कोई अस्पताल ऐसा होगा जिसके अंदर महीने में एक स्पेशलिस्ट 10 सर्जरी करता होगा, और कोई अस्पताल ऐसा भी होगा जहां पे महीने में एक स्पेशलिस्ट 30 सर्जरी करता होगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तरीके की हम मैट्रिक्स बनाएं,
हर अस्पताल के अंदर देखें कौन सा डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है, कौन से अस्पताल की मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, जहां पे अच्छा काम हो रहा है वहां पे समझे कि क्या अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से वहां अच्छा काम हो रहा है, और कैसे और अस्पतालों को भी उसी राह पे हम लोग चला सके। तो ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक्स मुख्यमंत्री जी के परामर्श से बहुत जल्दी हम दिल्ली के सभी अस्पतालों को बहुत बेहतरीन लेवल्स पर पहुंचा पाएंगे, ताकि अच्छे से अच्छा इलाज हर अस्पताल के अंदर आप लोगों को मिले, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बढ़िया सौरभ भाई, वैसे तो दिल्ली के प्यारे मुख्यमंत्री को पूरा देश ही बेहिसाब मोहब्बत करता है, पसंद करता है, हर देशवासी ये चाहता है कि जैसी सरकार दिल्ली के अंदर चल रही है वैसी हमारी स्टेट के अंदर ही बने, और दिल्ली और पंजाब वालों ने इस चीज को प्रमाणित भी कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री साहब से कितना प्यार करते हैं। सर, ये दिल्ली का वो हिस्सा है जो लगभग पंजाब जैसा ही है, और यहाँ बहुत आपसी भाईचारे से प्यार से सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, और इन सबकी ख्वाहिश थी कि ये सब मिलकर आपका स्वागत करें। तो मैं बहुत जल्दी से जिनके नाम लूंगा वो मंच पर आ जाएंगे और सभी मिलकर मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करेंगे। श्री सरदार सतनाम सिंह जी पांच फ्लोर गुरुद्वारा कमेटी से, अनवर भाई, पैट्रिक भाई, रविंदर सिंह जी आरजेड ब्लॉक से, जितेंद्र सिंह सोनू जी, अमरजीत सिंह बब्बी जी, सुखविंदर सिंह जी, अमरजीत सिंह जी, प्रिंस भाई, दलवीर सिंह वीरा जी, सतपाल सिंह जेपी जी, रंजीत सिंह जी, भूपेंद्र सिंह नारंग जी, प्रगट सिंह जी, बिट्टू चोपड़ा जी और अनवर भाई, आप प्लीज जल्दी से स्टेज पे आ जाएं, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब आप सबसे मुखातिब होंगे। जिन जिन के नाम लिए कृपया उनको स्टेज पर आने दें, सभी मिलकर सामूहिक रूप से केजरीवाल साहब का स्वागत करेंगे। और बहुत एक खूबसूरती जो तिलक नगर के अंदर है कि जितना मर्जी या नफरत का बीज डालने की लोग कोशिश करते हैं, सभी मिलकर बोल देते हैं कि मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हले में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। इस चीज का प्रमाण तिलक नगर वाले बार बार देते आए हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी से कि जल्दी से आ जाएं। अलग साहब, ये स्वागत परंपरागत तौर पर स्वागत आप देख रहे हैं यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। सभी इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित जन इस समय अभिनंदन कर रहे हैं। प्रगट सिंह जी से भी मेरा अनुरोध, गुरुद्वारा शहीदगंज से भगत सिंह जी, जिन भी साथियों से अनुरोध किया गया है आप सब मंच पर आ जाएं। और देखिए बहुत ही शानदार मन से स्वागत होता हुआ, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने से नहीं तेरे सीने से सही, आग हो लेकिन कहीं भी आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। एक और अनुरोध, जितने भी हमारे सम्मानित जन स्वागत कर रहे हैं, आप लोग जब स्वागत कर लें तो अपने दूसरे साथियों को आप जगह दें और आप अपना स्थान फिर ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली सरकार, आपके इस प्रेम, आपके इस लगन भाव से बहुत अपने को प्रभावित मान रही है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मेरा अनुरोध, जैसे ही आप स्वागत कर लेते हैं तो आप उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करें। परंपरागत तौर पर स्वागत शॉल उड़ाकर और सरोपा भेंट कर यहाँ स्वागत हो रहा है, सभी का आभार। और आप सबसे भी अनुरोध, जोरदार तालियां हम बजाते रहें इस स्वागत में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप इस स्वागत में शामिल हैं तो अपनी तालियों को जोरदार तरह से बजाते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल, और यहाँ सभी का प्यार,
सभी का सम्मान, सभी का आशीर्वाद इस समय लेते हुए बहुत सारे हमारे इस समाज के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति इस समय फूल माला से स्वागत, शॉल से स्वागत और परंपरागत तौर पर भेंट देते हुए स्वागत। सभी से अनुरोध आप सब अब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से अनुरोध प्लीज अब आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। ये नवांकुर और अब मेरा अनुरोध आप सबसे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आप अपना स्नेह आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और सर से अनुरोध संबोधन के लिए, तो जोरदार तालियां और आइए अब हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध संबोधन के लिए। आज यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में इतनी उमस में आप पिछले एक घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे केशवपुर मंडी में एक मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। पूरी दिल्ली में आज पांच जगह पांच मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। एक तो हुआ है केशवपुर मंडी में, शाहबाद डेयरी में दो मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन आज हो रहा है, बवाना में एक जनरल मोहल्ला क्लिनिक और एक महिला मोहल्ला क्लिनिक, एक गोविंदपुरी में और एक कालकाजी मार्केट में। तो टोटल अब दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। इनमें से कई सारे ऐसे भी हैं जिनका उद्घाटन नहीं हुआ, आने वाले टाइम में होगा, लेकिन काम 533 कर रहे हैं जिसमें से 521 मॉर्निंग शिफ्ट में और 512 मॉर्निंग शिफ्ट में और 21 इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हमने 2015-16 में मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए थे। इसका मकसद ये था कि अपने को अगर दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत हैं, प्राइवेट वाले भी हैं सरकारी वाले भी हैं। प्राइवेट में देखो तो फोर्टिस है, अपोलो है, मैक्स है, ये है वो है, बीएलके है, कई सारे हैं। सरकारी में देखो तो ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, जीटीबी है, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, बहुत सारे सरकारी भी हैं। लेकिन अगर छोटा बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, छोटा मोटे कुछ बीमारी हो जाए तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लाइनों में लगते हैं। अब जैसे आप लोग केशवपुर मंडी में काम करते हो, कई लोग व्यापारी हैं, कई लोग मजदूर हैं, थोड़ा सा कुछ बुखार हो गया, थोड़ी सी कुछ बीमारी हो गई, पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको अस्पताल में जाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में लगते हो, सवेरे से शाम तक पूरा दिन खराब हो जाता है और अस्पतालों में भी खूब भीड़ होती है। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह हर मोहल्ले में हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं। तो 2015-16 में हमने करना शुरू किया। मेरे को याद है पहला मोहल्ला क्लिनिक पीतमपुरा की झुग्गियों में बना था और उसका बड़ा अच्छा नतीजे आए, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, आसपास की जनता बहुत खुश हुई क्योंकि अपने घर के आसपास है, थोड़ा सा कुछ हुआ अपना मोहल्ला क्लिनिक में गए, पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशन है अंदर, अच्छे से डॉक्टर इलाज करता है, लैब का टेस्ट अगर हो टेस्ट फ्री होते हैं, एक्सरे कराना हो एक्सरे भी पास के अस्पताल में फ्री में करा दिया जाता है, दवाइयां सारी फ्री में मिलती हैं, तो लोग बड़े खुश थे। दुनिया भर से लोग आके देखने लग गए इन मोहल्ला क्लिनिक को। एक बार स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री वो देखने के लिए आई, यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उसके सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए,
तो उसकी खूब तारीफ होने लगी। फिर धीरे धीरे हमने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बढ़ाने चालू किए। तो जो अभी सौरभ भारद्वाज जी बता रहे थे, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश के MLA हैं, एक बार ही अपनी RWA के कार्यक्रम में मेरे को ले गए वहां पे। ग्रेटर कैलाश तो आप सब लोग जानते हो कि सबसे अमीरों का इलाका है ग्रेटर कैलाश, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी कोठी वाले लोग रहते हैं। तो उनकी RWA के कार्यक्रम में अंत में उन्होंने मेरे से मांग की, बोले जी हमारे ग्रेटर कैलाश में भी मोहल्ला क्लिनिक बना दो। मैंने कहा यार तुम इतने अमीर लोग हो, तुमको क्या मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है, तुम तो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हो। बोले नहीं जी हमको भी चाहिए। हमने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। एक दिन अचानक मैं औचक इंस्पेक्शन के लिए, अगर कह के जाओ तो वहां पे फिर सारा तैयारी कर लेते हैं, भाई मुख्यमंत्री आ रहा है। एक दिन अचानक मैं वहां से गुजर रहा था, औचक इंस्पेक्शन के लिए मैं उस मोहल्ला क्लिनिक में गया। अंदर भाई साहब रिसेप्शन पे इतने अमीर अमीर लोग बैठे थे, उनके पहनावे से, उनकी बातचीत से फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे थे, इतने अमीर लोग बैठे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहां इलाज कराने क्यों आए हो? बोले जी डॉक्टर बड़ा अच्छा है। एक चीज है, हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिकों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो बड़ा अच्छा है, उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए। फिर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला, दो खोले, अब ग्रेटर कैलाश में कितने हैं? 11 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश में, इतनी अमीर कॉलोनी के अंदर। जो लोग पहले फोर्टिस में मैक्स में इलाज कराने आते जाते थे, वो मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं। तो कुछ तो अच्छा होगा कि इतने अमीर लोग भी यहां इलाज कराने आ रहे हैं। उसी क्वालिटी का मोहल्ला क्लिनिक आज आपकी केशवपुर मंडी में खुला है। मंडी में केवल दिल्ली दिल्ली वाले नहीं, आसपास के राज्यों से भी बहुत लोग आते हैं, बहुत मजदूर काम करते हैं, बहुत व्यापारी आते हैं, सामान खरीदने आते हैं, सामान बेचने आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सबको इसका लाभ मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले साल 2022-23 में 2,07,17,876 लोगों ने इलाज कराया मोहल्ला क्लिनिक में, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया और 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए। 21-22 में उसके पहले वाले साल में 1,82,00,000 लोगों ने इलाज कराया, उसके पहले वाले साल में 1.5 करोड़ लोगों ने। हर साल संख्या बढ़ती जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई बार आते हैं, एक बार बीमार हुए, दूसरी बार बीमार हुए, तो ऐसा नहीं कि 2 करोड़ यूनिक हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कई बार आते हैं। 91 किस्म के टेस्ट होते हैं यहाँ पे, जो फ्री टेस्ट होते हैं, दवाइयां फ्री मिलती हैं, टेस्ट फ्री होते हैं, अल्ट्रासाउंड एक्सरे का अगर कराना हो तो रेफर कर दिया जाता है। एक हमने महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, महिलाओं की जो बीमारी होती है, अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, उनको थोड़ा सा जनरल मोहल्ला क्लिनिक में अगर पुरुष डॉक्टर है तो थोड़ी हिचक होती है उनको जाने में। तो हमने कुछ 5 अभी मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुए हैं और उसमें केवल महिलाएं जाती हैं, महिला डॉक्टर होती है, महिला स्टाफ होता है और केवल महिलाओं के लिए है वो। उसको अब ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका बड़ा बड़ी चारों तरफ से डिमांड आ रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे देश के अंदर अब इसके जगह जगह बात फैलती जा रही है। पंजाब में तो खैर हमारी सरकार है, पंजाब ने 1.5 साल में दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। हमने तो इतने साल में 533 खोले, पंजाब में 660 मोहल्ला क्लिनिक बन के अभी चालू हो चुके हैं और उन लोगों का लक्ष्य है कि वो 3,000-4,000 मोहल्ला क्लिनिक लेके जाएंगे। इसके अलावा मुझे पता चला है और भी देश के कई हिस्सों में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। मैं आज केशवपुर के सभी भाइयों बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपको ये सुविधा मिली, और मैं भगवान से चाहता हूं कभी बीमार ना पड़ो, आप हमेशा स्वस्थ रहो। लेकिन अगर बीमारी है, होती भी है, तो अब मोहल्ला क्लिनिक है अपना इलाज कराने के लिए। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर यही कहते हैं दिल्ली को कि रूप तुम्हारा गन तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है, दृश्य तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तुलिका मात्र है,
और सृजन तुम्हारा, सृष्टि तुम्हारी।